जब हर जगह मनाई जाती है रंगों की होली, तब इन गांवों में होता है सन्नाटा। उत्तराखंड के इन गांवों में 374 सालों से किसी ने नहीं खेली होली। होली न खेलने के पीछे की वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। जब भी होली खेलने की कोशिश करते हैं, हो जाती है कोई अनहोनी। हम सब अपने घरों में होली की तैयारियों को लेकर व्यस्त हैं, और हो भी क्यों ना, आखिर पूरे एक साल बाद ये उल्लास का त्यौहार आता है और इस दिन हर कोई तरह तरह के रंगों से होली खेलता नजर आता है। क्या शहर, क्या गांव, हर जगह होली मनाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी देश में कुछ गाँव ऐसे भी हैं जहाँ होली नहीं मनाई जाती। चौंक गए ना आप, लेकिन सच यही है। देवभूमि उत्तराखंड के कुछ ऐसे गाँव भी हैं जहाँ एक दो साल से नहीं बल्कि 374 साल से होली नहीं मनाई जाती। कौन से हैं वो गाँव और क्यों इन गाँव में होली नहीं मनाई जाती, बताएंगे आपको इसी वीडियो में। बस आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। दरअसल हम जिन गांवों की बात कर रहे हैं वो हैं रुद्रप्रयाग के गांव, जहां होली के दिन जब देश भर में होली मनाई जाती है, तब इन गांवों में और दिनों की तरह लोगों की दिनचर्या सामान्य ही रहती है। और पिछले करीब 374 सालों से यहां होली के दिन ऐसा ही माहौल देखने को मिलता है, और इसकी वजह यहां के लोग देवी का प्रकोप मानते हैं। चलिए अब आपको इसके पीछे वजह बताते हैं। देवी के डर से नहीं मनाते होली। दरअसल रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि ब्लॉक की तल्ला नागपुर पट्टी के कुइली, कुरझण और जौंधला गांव में होली का त्यौहार नहीं मनाया जाता। तीन सदी पहले जब ये गांव यहां बसे थे, तब से आज तक यहां के लोग होली नहीं खेलते। गांव वालों की मान्यता है कि मां त्रिपुरा सुंदरी के श्राप की वजह से यहां के लोग होली नहीं मनाते। 15 पीढ़ियों से कायम है परंपरा। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक गांव वाले मां त्रिपुरा सुंदरी को वैष्णो देवी की बहन बताते हैं, और करीब 374 सालों से ये परंपरा चली आ रही है, क्योंकि देवी को रंग पसंद नहीं। बताया जाता है कि कश्मीर से कुछ पुरोहित परिवार कुइली, कुरझण और जौंधला गांव में आकर बसे थे। 15 पीढ़ियों से यहाँ के लोग अपनी परंपरा को कायम रखे हुए हैं। लोगों के मुताबिक करीब 150 साल पहले कुछ लोगों ने होली खेली थी, तो गांव में हैजा फैल गया था और कई लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद से दोबारा इन गांव में होली का त्यौहार नहीं मनाया गया, इससे लोग देवी का प्रकोप मानते हैं। वैसे ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ रुद्रप्रयाग के इन गांवों में होली नहीं मनाई जाती, बल्कि कुमाऊं के भी कई ऐसे गाँव हैं जहाँ होली नहीं मनाई जाती। कुमाऊं के कई गाँवों में नहीं खेली जाती होली। कुमाऊं में होली का अलग ही रंग जमता है। कुमाऊं में होली का त्यौहार बसंत पंचमी के दिन से शुरू हो जाता है। यहाँ बैठ की होली, खड़ी होली और महिला होली देश दुनिया में जानी जाती है। घर घर में बैठ की होली का रंग जमता है, लेकिन सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के कई गांवों में होली मनाना अपशकुन माना जाता है। वहीं सीमांत पिथौरागढ़ जिले की तीन तहसील धारचुला, मुनस्यारी और डीडीहाट के करीब 100 गांव में होली नहीं मनाई जाती। यहां के लोग अनहोनी की आशंका में होली खेलने और मनाने से परहेज करते हैं। पिथौरागढ़ जिले में चीन और नेपाल सीमा से लगी तीन तहसीलों में होली का उल्लास गायब रहता है, और हैरानी इस बात की कि पूर्वजों के समय से चला आ रहा ये मिथक आज भी नहीं टूटा। इन तहसीलों में होली न मनाने के कारण भी अलग अलग हैं। मुनस्यारी में होली नहीं मनाने का कारण इस दिन किसी अनहोनी की आशंका रहती है। डीडीहाट के दूनाकोट क्षेत्र में अपशकुन, जबकि धारचुला के गांव में शिपला केदार की पूजा करने वाले होली नहीं मनाते। बता दें कि उत्तराखंड के इन सभी गांवों में कई सालों से होली नहीं मनाई जाती, और जब भी इन गांवों में कहीं किसी ने होली मनाने की कोशिश की है, तब कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है और लोग डर की वजह से अगली बार फिर से होली ना मनाने की कसम खा लेते हैं। लेकिन अपने आप में काफी हैरानी की बात है कि आज के समय में भी लोग अंधविश्वास का शिकार हैं और होली जैसे त्यौहार पर बिना जश्न के सामान्य जीवन जीने को मजबूर हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही हमारी इस खबर के बारे में अपना फीडबैक जरूर दें, और इस तरह के और भी रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।